महाराष्ट्र में करीब 10-12 दिनों तक चली सियासी रस्साकसी का पटाक्षेप तब हुआ जब खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि इस इस्तीफे से पहले उद्धव ठाकरे ने कई कोशिशें की कि उनकी सरकार और उनकी पार्टी दोनों ही बच जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुमत परीक्षण के फैसले ने उद्धव ठाकरे की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि अपने इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी उद्धव ने हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व कार्ड के आगे उद्धव का कार्ड काम नहीं आया और उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री तक का सफर तय करना पड़ा। आखिर क्या था उद्धव का वो हिंदुत्व कार्ड जो फेल हुआ और आखिर कैसे शिंदे के हिंदुत्व कार्ड के आगे उद्धव कमजोर पड़ गए, आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 21 जून 2022 महाराष्ट्र की राजनीति की वो सुबह जब विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ चुके थे और महाविकास अघाड़ी सरकार के कद्दावर मंत्री एकनाथ शिंदे बागी हो चुके थे। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दल यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जब इस बात पर मंथन करने में जुटे थे कि पहले राज्यसभा और फिर विधान परिषद में भी उनके प्रत्याशी की हार कैसे हुई, ठीक उसी वक्त शिवसेना कोटे से मंत्री और शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे सूरत के ली मेरिडियन होटल में शतरंज की चालें चल रहे थे। उनके साथ और भी तमाम विधायक थे जो उस होटल में उनके आसपास खड़े थे, बैठे थे और शतरंज की बाजी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उस शतरंज के खेल में शिंदे हारे या जीते ये तो नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात पर उन्होंने जो गोटियाँ बिठा रखी थीं वो काम कर गई और इस चाल में उनकी सबसे बड़ी गोटी थी हिंदुत्व की। एकनाथ शिंदे ने सूरत के होटल से ही हिंदुत्व की दुहाई देनी शुरू कर दी, जिस पर और भी विधायक राजी होते गए और शिंदे का काफिला बड़ा होता गया। एकनाथ शिंदे ने बार बार इस बात की दुहाई दी कि उनकी शिवसेना, उनकी प्यारी शिवसेना अब ऐसे हाथ में है जिसका हिंदुत्व से कोई सरोकार ही नहीं है। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर इस बात को लेकर हमला किया कि जिस शिवसेना को बाला साहब ठाकरे के वक्त अपने हिंदुत्व के लिए जाना जाता था, वही शिवसेना अब एनसीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है, जिनका हिंदुत्व से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। हिंदुत्व की भावुक अपील ने शिवसेना के साथ ही कुछ निर्दलीयों और दूसरे विधायकों को भी प्रभावित किया और वो सब भी शिंदे के साथ आते गए, कारवां और लंबा होता गया। जब उद्धव ठाकरे को भी समझ में आ गया कि वो चाहे जितना भी खुद को हिंदू बता लें, हिंदुत्व का पुजारी बता लें, बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पर चलने की बात कर लें, अब विधायक उनकी नहीं सुनने वाले हैं, तो उद्धव ने एक आखिरी पैंतरा अपनाया जो विधायकों से ज़्यादा जनता को संदेश देने के लिए था कि अब भी हिंदुत्व के असली पैरोकार तो उद्धव ही हैं। उद्धव ठाकरे ने बतौर मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे से चंद घंटे पहले कैबिनेट की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए जो उनके कट्टर हिंदुत्व के परिचायक होने के साथ ही बाल ठाकरे के सपने को पूरा करने सरीखा था। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट मीटिंग में दो शहरों के नाम बदलने पर मुहर लगा दी। उन्होंने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर करने और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने को मंजूरी दे दी। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर भी डीबी पाटिल करने पर उद्धव ठाकरे और उनकी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इस फैसले के वक्त उद्धव ठाकरे जानते थे कि वो बतौर मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो उनका आखिरी फैसला है और इसके बाद उन्हें कुर्सी पर नहीं रहना है, तो उन्होंने कोई बड़ा फैसला करने की बजाय सिर्फ दो शहरों और एक एयरपोर्ट का नाम बदलने का फैसला किया, जिसके जरिए वो बागी विधायकों के साथ ही आम जनता को भी ये संदेश देना चाहते थे कि भले ही शिंदे कहें कि उद्धव हिंदुत्व के रास्ते से भटक गए हैं, लेकिन उद्धव अब भी उसी रास्ते पर हैं जो रास्ता उन्हें बाला साहब ठाकरे ने दिखाया था, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे ही थे जिन्होंने कभी भी औरंगाबाद शहर को औरंगाबाद नहीं कहा। वो हमेशा से इस शहर को संभाजीनगर ही कहते थे और शिवसैनिक भी औरंगाबाद को संभाजीनगर ही कहा करते थे। हालांकि इस फैसले के बाद भी उद्धव सरकार नहीं बचा पाए, लेकिन क्या इन्हीं फैसलों की बदौलत उद्धव फिर से उस कट्टर हिंदुत्व की छवि को अपना पाएंगे जो उनके पिता बाल ठाकरे में दिखती थी, या फिर इन फैसलों के बाद भी उद्धव का हिंदुत्व बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के मिले जुले हिंदुत्व के सामने फीका पड़ जाएगा, ये तो विधानसभा चुनाव ही तय कर पाएंगे। शायद उद्धव के ये फैसले सरकार बचाने के लिए नहीं बल्कि अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए थे। आखिर हैं तो वो बाल ठाकरे के बेटे ही,
जिनके कट्टर हिंदुत्व की छवि की बदौलत लोग उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि से नवाजा करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।